बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। 6 नए चैनल्स को डीडी फ्री डिश में इजीली लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन हुआ क्या, अचानक से प्रसार भारती ने अपना फैसला बदल लिया और उनकी जगह पर 2 नए HD चैनलों को लॉन्च कर दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, करीबन 6 से 7 चैनल्स इजीली हम सभी के लिए नए लॉन्च होने की तैयारी में थे, लेकिन ऐन वक्त पर प्रसार भारती ने अपने डिसीजन को चेंज करके 2 नए खुद के ही HD चैनल्स DD News HD और DD India HD लॉन्च कर दिए। क्या पीछे इसकी वजह रही है, क्या ऐसा रीजन हो गया, क्या ऐसी वजह हो गई कि उन्होंने 6-7 चैनलों को लॉन्च ना करके, 6-7 चैनलों के स्लॉट्स को ना बढ़ा के अपने 2 के जो चैनल्स हैं हाई डेफिनेशन के खुद के, उन्हें लॉन्च करना बेहतर समझा। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, ऐसा क्यों किया कि उसके बारे में भी जानने का पूरा मौका मिलेगा। चैनल पहले बनाए हो तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने से होता यह है कि आपको हमारी वीडियोस जो है वो सबसे पहले भी पहुंचती है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो बताना चाहूंगा कि जो हमारे लिए 6 से 7 चैनल्स को बढ़ाया जाना था, उसकी जगह पर हाई डेफिनेशन चैनलों को लॉन्च इसीलिए किया गया क्योंकि डीडी फ्री डिश को, प्रसार भारती को मालूम है कि अगर हम 6 से 7 चैनल्स के स्लॉट्स को बढ़ा भी दें तो भी कोई भी चैनल इंटरेस्ट नहीं लेने वाला है हमारी ई ऑप्शन में भाग लेने के लिए। रीजन आपको बता देता हूँ, डीडी फ्री डिश 2 टेक्नोलॉजीज का उपयोग करता है, एक है MPG2 और एक है MPG4। बेसिकली जो चैनल्स की जो जगह हमारे बीच खाली होनी थी वो MPG4 में होनी थी, या फिर अब ये कह लो कि जो स्लॉट्स बढ़ाए जाने थे 6 से 7 चैनलों के बारे में जो हम जिक्र कर रहे हैं वो MPG4 में बढ़ाए जाने थे, लेकिन MPG4 की मांग नहीं है। 2 पहले भी ई ऑप्शन हो चुकी है, दोनों ई ऑप्शन खाली साबित हुई, कोई भी ब्रॉडकास्टर ने इंटरेस्ट नहीं लिया चैनल को लॉन्च करने का, और यही रीजन रहा कि प्रसार भारती ने 6 से 7 चैनलों के स्लॉट बढ़ाने की बजाय अपने खुद के 2 हाई डेफिनेशन चैनलों को फिलहाल लॉन्च कर दिया है। लेकिन ये भी हमारे लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जो 2 HD चैनल्स आप सभी के बीच देखने को मिल रहे हैं ये खुद के प्रसार भारती के दूरदर्शन के ही चैनल है। जब प्रसार भारती को लगे कि उन्हें स्लॉट्स में नए चैनलों को मौका देना है, एक बार फिर से ई ऑक्शन करनी है, तो जब इनका दिल करे वो 2 HD चैनलों को बंद करके 6 से 7 चैनल्स की जो 8 चैनल्स की जो जगह है, 9 चैनल्स की जो जगह है वो इजीली वो खाली कर पाएंगे, क्योंकि एक एचडी चैनल जो है वो करीबन 3 से 4 चैनलों की जगह इजीली कवर अप कर लेता है, यानी कि एक एचडी चैनल की जो पिक्चर क्वालिटी है, जो उसके बैंडविड्थ है, वो इजीली 3 से 4 नॉर्मल जो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन के चैनल होते हैं SD, उसकी जगह कवर अप कर लेता है। तो अगर 2 HD चैनलों को ई रिमूव कर दिया जाए तो इजीली ये 6 से 7 या मैक्सिमम 8 चैनलों को भी बढ़ा सकेंगे MPG4 में। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि हमारे बीच पहुंची है कि MPG4 में स्लॉट्स को बढ़ाया जाना था, लेकिन डिमांड ना होने की वजह से स्लॉट्स को फिलहाल नहीं बढ़ाया गया और 2 नए HD चैनलों को लॉन्च कर दिया गया। लेकिन जैसे ही प्रसार भारती को एक बार फिर से मुनासिब वक्त मिलेगा, वो अपने स्लॉट्स को बढ़ाने के बारे में विचार करेगा, तो इन दोनों चैनलों के ट्रांसमिशन को ऑफ करके वो स्लॉट्स को बढ़ा के नए चैनलों को मौका जरूर देगा। आपके नजरिए से फैसला कैसा है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।